सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में दूसरा एड्रेस कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें जो वो प्रोडक्ट है हमें किसी और एड्रेस पर डिलीवर करना होता है, तो हमें जो है वो वाला एड्रेस डालना पड़ता है, तभी जो हमारे दिए गए एड्रेस पर वो जो है प्रोडक्ट डिलीवर होता है। तो अभी जो है हम लोग अपना वो जो एड्रेस है अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में ऐड कैसे करेंगे, अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में दूसरा एड्रेस ऐड करने के लिए आप लोग को यह वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में दूसरा एड्रेस कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट पहले तो ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर थ्री लाइनिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा माई अकाउंट का एक ऑप्शन, फिर आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका नाम और आपका नंबर, ईमेल आईडी, ये सब वगैरह वगैरह यहाँ पर शो करने लगेगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि अपना एड्रेस जो है दूसरा एड्रेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग को सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आ जाइएगा तो आप लोग का जो अभी के टाइम पर जो एड्रेस लगा होगा फ्लिपकार्ट में वो वाला एड्रेस यहाँ पर शो करेगा। तो अभी जो है नया एड्रेस ऐड करने के लिए फिर आप लोग को यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा एड ए न्यू एड्रेस, फिर आप लोग को इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर आपका नाम डालने के लिए बोला जाएगा, आपका फ़ोन नंबर, पिन कोड, स्टेट, सिटी, हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, रोड नेम, एरिया, कॉलोनी, ये सब वगैरह वगैरह अपना डाल दीजिएगा। सब कुछ एड्रेस में डालने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पर सेव एड्रेस पर क्लिक कर देना है। आप लोग जब सेव एड्रेस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में यहाँ पर दो दो एड्रेस दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पर देखिए, एक एड्रेस ये वाला है और यहाँ पर एक ये वाला है। आप लोग यहाँ से चाहें तो कई ठो एड्रेस इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस भी एड्रेस पर आप लोग को अपना प्रोडक्ट जिस टाइम पर डिलीवर करना रहे आप लोग वो वाला एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप लोग अपना यहाँ पर नया एड्रेस डाल के सेव कर देंगे तो आपका जो एड्रेस है वो सेव हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो जब भी आप लोग अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से किसी भी प्रोडक्ट को बाय कीजिएगा तो आपको एड्रेस में आप लोग को यहाँ पर आपने जिस भी एड्रेस को अपने अकाउंट में लगाया होगा वो सब एड्रेस यहाँ पर शो होने लगेंगे। आप चाहें तो इस एड्रेस पर या फिर इस एड्रेस पर किसी भी एड्रेस पर अपना जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में दो दो एड्रेस ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं या फिर नया एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यही था इस वीडियो में। और यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।